देशभक्ति नहीं आती है, ये रियल देशभक्ति हम सब मिलकर कर रहे हैं। आज आप लोग आए हो, बहुत सारे लोग दूर दूर से आए हैं, बहुत सारे लोग महाराष्ट्र से, गुजरात से, छत्तीसगढ़, बहुत सारे दूर दूर से आए हैं। तकलीफ आपको भी आई होगी, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मुझे भी आज वो दिन याद आया जब मैं एज अ गर्ल शादी से पहले जब नेटवर्क कर रही थी, तब हमारा एक शो हुआ था जयगढ़ पैलेस में। मुझे आज भी वो दिन याद है जब जयगढ़ पैलेस में हमें भी साड़ी पहन के बुलाया गया था और हमने भी वहां पर एक ऐसी छोटी सी जगह पे चेंज किया था जहां पर सच में रोना आ गया था कि ये क्या हो रहा है। लेकिन आज वो दिन से जो माइंड में सोच बनाई थी, जो बोलते हैं ना कि जो गाना बज रहा था दिल ये जिद्दी है, आज रियल में वो जिद्दी दिल ने कमाल कर दिया। हमेशा एक ही चीज में सोचती हूँ, जो मेरे दिमाग में एक ही चीज रहती है, हमेशा बड़ा और पॉजिटिव सोचना। तकलीफ कितनी भी आए, तकलीफों को नहीं देखना, क्योंकि आज मैं भी यहाँ पर पहुंची हूँ। जब मैं एज अ गर्ल काम कर रही थी तब से नेटवर्क कर रही हूँ, आज शादी के बाद भी नेटवर्क कर रही हूँ, लेकिन आज कभी भी मैंने कोई भी तकलीफ को नहीं देखा है। तकलीफ बहुत सारी मैंने भी झेली है, क्योंकि मैं गर्ल से शादी की, एक महिला बनी, उसके बाद बच्चों की माँ भी बनी हूँ। आज भी मैं, मेरे दो बच्चे फ्री है उनको छोड़कर यहाँ, क्योंकि यहाँ पर जो भी बड़ा सोचते हैं और हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं वो डेफिनेटली आगे बढ़ते, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म की ताकत है। क्योंकि आज मैं समझ सकती हूँ महिला, एक लेडीज को ये मार्केट में काम करना मुश्किल है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में और उसमें भी एस्लिपियस में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारी सारी अप्लायंस का इतना सपोर्ट है, आज हमारे मैनेजमेंट का इतना सपोर्ट है कि जिनके कारण आज हम जो चाहे वो पा सकते हैं। बट सोचना खुद को पड़ेगा। अप्लायंस हमेशा चाहेगी कि आप आगे बढ़ो, बट नहीं आगे बढ़ पाते, उसका एक रीजन भी है। आज बहुत सारी लेडीज है, मैं कहना चाहूंगी, आज जैसा भी बताया दिल ये जिद्दी है, हम अगर हमारी जिद पे उतर जाते हैं ना तो कोई भी काम कर लेते हैं, सही है। बस ये जिद को हमेशा पॉजिटिवली दो, कभी भी नेगेटिव जिद मत करो, हमेशा आप अपने काम को पॉजिटिवली जिद करोगे ना तो आप डेफिनेटली बहुत आगे बढ़ोगे। क्योंकि आज मैं भी कुछ नहीं थी, मुझे आज भी याद है जो अभी मैम गेम खिला रहे थे वैसे ही गेम, तभी गोल्ड बनके, यही प्लेटफॉर्म पे गोल्ड बनके मेरा पहला न्याय थी एज अ कुणाल सर की वाइफ। उस समय पे मैं आई थी, मैंने देखा माहौल, देखा नेटवर्क का एक्सपीरियंस मुझे था, बस ये दिल जिद्दी था कि कुछ तो अपना नाम बनाना है, और बस काम करती गई, जॉब छोड़ के फुल टाइम काम किया। तकलीफ बहुत आती थी क्योंकि उस समय पे हम अकेले रहते थे, बच्चे को संभालने वाला कोई नहीं था, छोटी बच्ची को लेकर मैं जाती थी। जब वो बच्ची मेरी छोटी थी तब जब भी जहां जाना होता था तो कभी ये नहीं सोचती थी कैसे मैनेजमेंट करूं, क्योंकि वो मैनेजमेंट मेरे दिमाग में उसी दिन आ जाता था, क्योंकि मेरा माइंड हमेशा पॉजिटिव सोचता था। क्योंकि 90% लेडीज जो काम आगे नहीं कर पाती, उसका एकमात्र रीजन होता है और वो होता है टाइम मैनेजमेंट एंड डिपेंडेंट रहना। 90% लोग डिपेंडेंट रहते हैं ना, थैंक यू, जिनके कारण वो लोग आगे नहीं बढ़ते। आज यहाँ पर आप इंडिपेंडेंट बन जाओ, कभी ये सोच मत लगाओ कि एज अ लेडी हम नहीं कर सकते। आज आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, मैं तो हमेशा फ्लाइट में देखती हूँ कि आज ये जो पायलट होती है लेडी पायलट, कितना अच्छा उनका पॉजिटिव दिमाग, आज पूरा विमान उसको उड़ा दिया। तो आज लेडीज हर फील्ड में आगे है, तो हम क्यों नहीं, और आज तक हम नहीं सोच सकते थे बिकॉज हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन आज हमारे पास रास्ता है, राइट? आज हमारे पास रास्ता है, प्लेटफॉर्म का ताकत है, बस खाली खुद को कभी भी कमजोर मत समझना, क्योंकि जो लेडीज कर सकती है, जो एक गर्ल कर सकती है, जो एक महिला कर सकती है, वो रियल में बोल रही हूँ, कोई नहीं कर सकता। बस अपने आप को कभी किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत करना, क्योंकि डिपेंडेंट रहने के कारण ही हमारे आगे काम नहीं होते हैं। आगे बढ़ने के लिए यही तीन चार चीज होती है। सबसे पहले अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखो, अपनी सोच को मजबूत रखो, क्योंकि
क्योंकि इतनी भी प्रॉब्लम है। आज मेरे साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई है। जब फर्स्ट वुमेन्स डे सेलिब्रेशन किया था तब मैं रियल में घर पे रो रही थी क्योंकि मैं नहीं आ पा रही थी। उस समय में मैं प्रेग्नेंट थी तो उस समय में नहीं आ पा रही थी, लेकिन आज जीत की कुछ भी हो जाए एक बार तो वुमेन्स डे में अपना नाम बनाऊंगी। और आज मैं करके दिखाया कि आज थर्ड वुमेन्स डे है, लेकिन मैं आज खास बन गई बिकॉज ऑफ गुरुजन और प्लेटफॉर्म की ताकत। मेरा कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये मेरी एक ही काम है। मैं हमेशा मेरे ग्रुप्स में सबको एक ही चीज बताती हूँ, पॉजिटिव माइंड और बड़ी सोच तब आएगी जब आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे। अगर हम अच्छे इंसान है तो कभी हमें किसी के लिए नेगेटिव सोच आती ही नहीं है। और आज अगर हमें कभी नेगेटिव सोच नहीं आती है तो कभी भी हमें कोई प्रॉब्लम लगती ही नहीं है। सही है, तो कभी भी अपने आप को पॉजिटिव रखो, अच्छे इंसान बन जाओ, क्योंकि 90% लोगों का यही होता है, नेगेटिव तरफ ज्यादा चले जाते हैं और पॉजिटिव जो हो रहा है वो नहीं देखते। तो खास दूसरा कभी ये डायलॉग मत बोलो मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि ये डायलॉग बेकार है। हमेशा टाइम सबके पास सेम ही होता है। आज जितने भी लोग हैं दुनिया में जी रहे हैं सबके पास 24 घंटे ही है। सही है, बस खाली हमारे पास टाइम का मैनेजमेंट नहीं है। तो आज लेडीज से अच्छा कोई नहीं जानता टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है। बस अपने टाइम मैनेजमेंट को अपने काम में अपने फील्ड में इन्वॉल्व कराओ, वो सपनों को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म की ताकत है। बस तकलीफ को मत देखो, इमोशंस जो है ना आपके अंदर, वो इमोशंस को एक ताकत दो और वो ताकत को आप अपनी जीत के अंदर पूरी करो। क्योंकि आज बहुत सारे लोगों ने बोला होगा तू ये नहीं कर सकती, तू ये कर ले, क्योंकि हमारा समाज ही हमें नेगेटिव सोच दे रहा है। मैंने देखा है बचपन में जब हमारे बच्चे खिलौनों की डिमांड करते हैं तो हम लड़कियों को किचन सेट दे देते हैं, और अगर लड़का है तो उस पर ट्रक या बुलेट या कुछ भी ऐसा चीज दे देते हैं। यानी कि हम लेडीज ही अपने बच्चों को बड़े नहीं बनने देते, राइट। तो आज के बाद कभी ये मत करना, अगर गर्ल है तो उसको भी एरोप्लेन दो, उसको भी एरोप्लेन दो कि ये एरोप्लेन में बैठ के तू भी कभी पायलट बन सकती है। सोच हमें ही बदलनी पड़ेगी तब हमारे बच्चे बड़े होके कुछ करके दिखाएंगे। सही है, तो खास एक ही चीज, ज्यादा समय नहीं है लेकिन एक मैसेज जरूर कहना चाहूंगी कि आज ये प्लेटफॉर्म की ताकत है कि जब मैं यहाँ पर ये एसलीपीएस प्लेटफॉर्म पे जब पहली बार आई थी तब तकलीफ उसे ही आई थी, क्योंकि जब हमारा एक शो हुआ था उस दिन बहुत सारी बारिश हुई थी और बारिश में भीगते भीगते हम शो में आए थे, और वही शो में हमने एक मेहनत पर्टिकुलर एक विजन दिया, और आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे विजन मेरी सोच को रास्ता दिया मेरे हस्बैंड हमारे एम्बेसडर लीडर मिस्टर कुणाल जाधव सर। क्योंकि कभी उन्होंने मुझे ये नहीं बोला कि तू नहीं कर सकती, हमेशा बोला है तू कर, और आज उनकी ताकत ने मुझे डबल ताकत दे दी और आज मैं यहाँ पर पहुंची हूँ। जब भी कुछ भी सोच आती है मैं करती हूँ, कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहती हूँ कि वो करेंगे तब मैं करूंगी। अपना एक अपलाइन डाउनलाइन का ही रिश्ता रहता है जब बिजनेस करते हैं तब। तो आज यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं दूर दूर से आए हैं, आपको कहीं ना कहीं मुश्किलें आई होगी पर वो मुश्किलें को पॉजिटिव वे से देखना, क्योंकि यही मुश्किल आपको एक बार बड़ा बनाएगी, यही मुश्किलों से आप बड़े बनने वाले हो। ये माइंड को हमेशा याद रखना। तो यहाँ पर ज्यादा बातें नहीं करूंगी लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि आज डायरेक्ट सेलिंग में किसी ने नहीं किया है वो आज ये प्लेटफॉर्म में कर दिखाया है। तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ हमारे एसलीपीएस प्लेटफॉर्म को और हमारे सारे गुरुजन, हमारे सीईओ एमडी मिस्टर संजीव गुरु जी का कि आज उन्होंने हमारे लिए रियल में आज एक ऐतिहासिक दिन बना दिया। मैं चाहूंगी आप लोग खड़े होकर एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां हमारे संजीव गुरु जी के लिए, हमारे और गुरुजन के लिए कि आज उन्होंने हमारे लिए सोचा। और आज 8 मार्च को वुमेन्स डे है लेकिन फिर भी अगर चाहते एक्सक्यूज रख के पोस्टपोन भी कर सकते थे, लेकिन हमने और एक ऐतिहासिक दिन बनाया और हमेशा ये प्लेटफॉर्म ऐतिहासिक दिन बनाती है। तो आप सब भी यहाँ पर भागीदार हुए ये ऐतिहासिक दिन के लिए, और रियल में ऐसा दिन कभी नहीं हुआ कि पूरा
और सिर्फ गर्ल्स और वुमेन से बना हुआ है। जोरदार तालियां होनी चाहिए ये दिन के लिए। और आज का दिन आपका कभी वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट हमारा समय है। आप सुबह से शाम, दो दिन से, तीन दिन से एक प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं। जो एक विजन मिलेगा आपको, वो विजन को अपने काम में इम्प्लीमेंट करना। कभी भी अपने, देखो जिंदगी है और लेडीज को काम करना है, इमोशंस आएंगे, लेकिन आप अपने सपनों को देख रहे हैं। आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो सपनों के बीच में किसी को ना आने देना, वही जिद पकड़ लेना और वही जिद आपको सपनों को पार कराएगी।